प्रतापगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र को अगवा कर जमकर पीटा, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़ित छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ज्यादा फीस लेने पर छात्र द्वारा सवाल करने पर जिलाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो कॉलेज के अंदर उसे जमकर पीटा और उसके बाद अगवा कर अपने कॉलेज ले जाकर पीटा, जिसके बाद छात्र ने प्रबंधक और भाजपा जिलाध्यक्ष पर गुर्गो से किडनैपिंग के बाद पिटाई का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने अपना वीडियो बनाकर उसे भी वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष समेत उनके गुर्गो पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फीस जमा करने गया था लड़का, इसी बेस पे ज्यादा फीस मांग रहे थे। फीस देने से उसने कहा फीस गलत है, सही नहीं है, मंथली फीस कहीं नहीं लगती है, जो फीस लगती है इकट्ठा लगती है। इकट्ठा में दो राउंड में हमने फीस जमा करने को कहा था, 11,000 हमने फीस जमा कर दिया था, बाकी दूसरे राउंड में मान भी गए थे उस समय, लेकिन अतिरिक्त जो फीस मांग रहे थे उसी में विवाद हुआ। कौन सा कोर्स कर रहा था? ITI। अच्छा, ये बताइए क्या धमकी भी मिल रही है कि हजन नेट लगवा के इसका जीवन बर्बाद कर देंगे। तो पुलिस की कार्रवाई आपकी तरफ से क्या हुई अभी तक? पुलिस कार्रवाई अभी पुलिस कार्रवाई SP साहब से मिला था, उन्होंने आदेश दिया है, वहाँ शायद हमारा मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब तक तो उसकी जांच कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वो संभवतः 3-4 दिन पहले का मामला था, उसमें हल्के के SI साहब के द्वारा और भी लोगों ने बताया उसके बारे में। तो मामला सही होने पर जो है उसके जो खिलाफ आज मुकदमा अपराध संख्या 3/19 थाना लालगंज में पंजीकृत किया गया है, और उसमें 3x9 व्यक्ति और कुछ अज्ञात है। धारा 147, 148, 342, 504, 506 अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना संबंधित को दी गई है, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे।